हेलो माय लिटिल फ्रेंड्स एंड बेबीज, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। आई वेलकम यू ऑल टू द वर्ल्ड ऑफ डार्जिलिंग स्टोरीज बाय एकता जेठवानी। टुडे इज ब्रेन जिम पार्ट 4। दिस ब्रेन जिम वीडियो विल गिव यू इनसाइट अबाउट रीडिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हम रीडिंग कैसे करते हैं, रीडिंग स्पीड इम्प्रूव करने के लिए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, यानी जो हम पढ़ रहे हैं उसे समझने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको और एनहांस करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज है, तो वो आज हम करेंगे। तो पहले हम ये समझते हैं व्हाट रीडिंग इज। रीडिंग इज बेसिकली क्रॉसिंग योर मिड लाइन सेक्शंस। सी बोथ ऑफ योर आईज वर्क टुगेदर। ओके, लेफ्ट से राइट हम पढ़ते हैं, तो दोनों आईज पहले लेफ्ट में जाती है, फिर मिड में आती है, एंड देन इट गोज टू द राइट। तो दोनों आईज जब हम क्रॉस कर रहे हैं एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर ब्रेन की, तो उसको बोलेंगे हम क्रॉसिंग द मिड लाइन। तो उसके लिए अब हमारी आईज दोनों स्किल्ड हैं। एक आईज हमारा पॉइंटर होती है जो हमें बताती है कि हम कहाँ रीड कर रहे हैं। ऑलराइट, व्हेन वी आर रीडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वन आई टेल्स अस द वर्ड वेयर वी आर रीडिंग। इट कीप्स अस फोकस्ड व्हाट वी आर रीडिंग, एंड द अदर आई ब्लेंड्स द वर्ड। ब्लेंड्स यानी कि जो लेटर्स लिखे हैं उनको कंबाइन करके उनको वर्ड पढ़ती है दूसरी आईज, है ना। तो दोनों आईज स्किल्ड होते हैं क्या रीड कर रहे हैं उसको समझने के लिए। तो ये हो गया रीडिंग। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि हम ऑथर ने क्या वर्ड्स लिखे हैं उसे डिकोड करके उसका मीनिंग समझने के लिए, उसको अपने आप के अंदर डालने के लिए। ओके, सो इट इज़ डिकोडिंग एंड एनकोडिंग, इट इज़ टोल्ड एज। तो उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंडिंग। ऑलराइट, तो कुछ है हम लोग फटाक से रीड कर लेते हैं हर चीज़ और समझ भी लेते हैं, बट कहीं कुछ ऐसे बच्चे हैं, कहीं कुछ ऐसे एडल्ट्स हैं, समवेयर देर आर सम पीपल, सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू रीड एट पार विद देयर एज, और मे बी दे हैव सम प्रॉब्लम्स इन कॉम्प्रीहेंडिंग द वर्ड्स। मे बी दे आर नॉट अवेयर अबाउट द वोकैबुलरी, और मे बी दे आर नॉट अवेयर अबाउट वॉट दे आर रीडिंग, हाउ टू डिकोड द वर्ड्स, मे बी ब्लेंड्स और साइट वर्ड्स और एनीथिंग। सो इट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर देम। दिस फ्यू एक्सरसाइजेज डन डेली विल हेल्प यू एनहांस योर रीडिंग स्किल्स एंड कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स। ऑल राइट, सो हमारे दोनों आईज को ट्रेन करना है और हमारे दोनों हेमिस्फीयर्स को एक्टिवेट करना है, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड टू नो द मीनिंग ऑफ द वॉट वी आर रीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज एनर्जी यॉन। ओके, हाउ इट इज़ डन। ये जो हमारा जॉ लाइन का जो जॉइंट होता है ना यहाँ पे, उसको यहाँ पे ऐसे दोनों फिंगर्स को ऐसे रखो और उसको मुँह खोलना है हमको पूरा। तो यहाँ पे आपको एक गैप फील होगा, तो उस वही हमारा एक पॉइंट है, उसको पुश करना है, उसको प्रेशर देना है। यॉन एंड क्लोज। दिस यू हैव टू डू 5 to 10 टाइम्स। दिस हेल्प्स इन एक्टिवेशन ऑफ योर ब्रेन सेल्स। ओके, अब मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगी, उनको डिटेल्स में नहीं बताऊंगी यूजली, क्योंकि मैंने सब एक्सरसाइजेस इन डिटेल बताई हैं कि वो क्यों हेल्प करेंगे। सो टुडे वील जस्ट फोकस ऑन एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू इम्प्रूव योर रीडिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, द सेकेंड एक्सरसाइज फॉर रीडिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द लेजी एट्स। यू आर फॉर्मिंग एन एट विद योर हैंड एंड योर आईज आर गेटिंग फोकस्ड ऑन योर हैंड। You have to do it with both of your hands. All these exercises and the details I have been given in all the previous videos of mine, so you can watch them if you're not aware of these exercises. Okay, the next is belly breathing. Put your one hand on your belly button, second hand on the point, on the gap of the collarbone, and breathe. Release. Breathe. Release, breathe, release. So you can continue doing this 10 to 15 times. Then change your hand, breathe, release, breathe, release, breathe, release. All right. So the third exercise is cross crawl. Back. 1, 2, 3, 4, 5.
द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रॉकर. वन लेग स्ट्रेट अदर एट द राइट एंगल ऑफ द अदर लेग. राइट, थोड़ा सा दूर ऐसे राइट एंगल पे रखेंगे उसको, एक ऐसे क्रॉस में एक सीधा, थोड़ा सा दूर. अब गो फ्रंट, गो बैक, स्लाइड इन, स्लाइड आउट, स्लाइड इन, स्लाइड. दूसरा पैर नहीं उठाना है और उसको स्ट्रेट रखना है. डू दिस 5 times ऑन 1, देन टर्न. यू कैन पुट योर हैंड्स ऑन द वेस्ट एज वेल, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. इसको और एडवांस लेवल में करने के लिए हैव टू एक्सहेल एंड इनहेल. सो व्हेन यू आर गोइंग आउट, एक्सहेल. व्हेन यू आर कमिंग इन, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल. दिस इज कॉल्ड एज द रॉकर. नाउ द नेक्स्ट इज नेक रोल्स. मूव योर नेक एट कंप्लीट सर्कल. एक्सरसाइज इज द ग्राउंडर. इधर यू कैन क्रॉस योर लेग और पुट योर बोथ लेग्स टुगेदर एंड यू हैव टू मेक अ 8 विद योर लेग्स. फॉर्म एन 8. And if you're crossing your leg, then also try forming an 8. If the kids are very young, they can just move like this. But if they are little adult, maybe 10 years and above, then try, ask them try making an 8. Alright. So the next is the calf pump. In this, you have to put one of your ankle on the knee of the other leg. Put your one hand here and the other hand here. Massage it. Just give them the massage. Here, if you release the pressure from your foot, it directly releases the pressure from their brain. And it helps enhance your reading and other skills as well. It will help you relax. It will help you be happy and swing your mood very quickly. Just push. Press your calf muscles. Massage both of your legs. Alright. So friends, these were the exercises for reading and reading comprehension. See, these basically could be used very well with for dyslexic kids or maybe ADHD kids who are a little hyper, or maybe who are not yet calm, or those who are not reading well. For adults also we can use it. So, for all, the reading might be an easy task. Okay, reading ki to karna hai, but hum samajh nahi paate how are we reading. One eye has a function of focusing on the word, the other eye has a function on understanding the word or maybe blending the word to read it. Hamare liye ye bahut easy hai kyunki hum acche se padh pa rahe hain, but kuch aise log hain, maybe dyslexics or maybe ADHDs or maybe autistic or वैसे ही जिनको proper education नहीं मिला, उनके लिए बहुत difficult task है. Just reading is also very difficult task for some of them. Maybe some of them doesn't know the vocabulary as well. तो उनके लिए ये exercises ज़रूर definitely 100% help करेगी enhancement में, brain improvement में. तो वो धीरे 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 उनका reading में improvement आता जाएगा. Just focus on these exercises. I will repeat the exercises what we have done. We have done brain button, cross crawl, lazy aids, neck rolls, the rocker, the grounder and the foot flex. Alright, and the calf pump where we gave the massage. So, ab jo bhi mere is channel pe new hai, jinko nahi pata hai, brain gym ka part 4 hai. So, part 1, 2 and 3 ka link bhi is description box mein diya jayega, where I have explained what brain gym is, why it is important and all the basic exercises have been told in that. So you can definitely watch it, and if you like my video, do like, share and subscribe to my channel. Bye. If you have any question, if you want to ask me anything, you can just write it in the comment box. I'll try helping you out. Love you. Take care.